बिजनौर से प्रेमी ने प्रेमिका को बच्ची की गिफ्ट। एक ऐसा अंधा प्रेमी जिसने अपनी ही सगी मासूम देवती का अपहरण कर घर से चोरी करके अपनी प्रेमिका को बच्ची की गिफ्ट कर डाली, वो भी महज इसलिए कि प्रेमिका महिला की कोई औलाद जो ना थी। आखिरकार सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए बुजुर्ग नाना कैमरे में कैद बेनकाब हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। प्रेमिका एक महीने की मासूम बच्ची को दिल्ली से बिहार लेकर फरार हो गई। पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। आज हम आपको एक ऐसे अजब प्रेम की गजब कहानी से रूबरू कराने जा रहे जो बिजनौर के नगीना इलाके की है। पुलिस के हत्थे चढ़ा यह अधेड़ उम्र का जफर, जो दिल्ली की रहने वाली खुशबू नाम की महिला से बेपनाह मोहब्बत करता है। खुशबू नाम की महिला ने अपने प्रेमी जफर से बेऔलाद होने की वजह से एक बच्चा देने का गिफ्ट मांग डाला। प्यार में अंधे जफर ने 19 अप्रैल को अपनी बेटी की औलाद यानी एक महीने की देवती को घर की दीवार फांद कर मासूम बच्ची को रात में सोते वक्त अपहरण कर चोरी कर मौके से फरार हो गया था। पीड़िता का पिता सुबह उठते ही जब चारपाई पर एक महीने की मासूम बच्ची गायब मिली तो परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन बच्ची का कहीं कोई पता ना लगा। घर के पास गली में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो नाना मासूम बच्ची को उठाकर भागता नजर आया। पुलिस ने आरोपी जफर को गिरफ्तार किया, लेकिन अब तक मासूम बच्ची की मां मुमताज़ की गोद सुनी है। गौरतलब है कि जफर दिल्ली में किराए पर रहने वाले खुशबू नाम की महिला यानी अपनी माशुका को मासूम बच्ची को गिफ्ट देकर आया था। खुशबू मासूम बच्ची को अपने मायके बिहार लेकर फरार हो गई, जिसे लेकर पुलिस ने अफसरों ने मासूम बच्ची को तलाशने के लिए 2 टीमें गठित कर दी। एसपी का मानना है कि जल्द मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। लेटी थी यहाँ पे रात को 3 बजे। 3 बजे के बाद मेरे पापा आए और मेरे बच्चे को ले गए। फिर मैं उठी तो मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला। मेरे सब में तराश करा, ढूंढा भाला, कहीं मेरा बच्चा नहीं मिला। फिर मैंने इधर उधर छानबीन करी तो मैंने कैमरे में देखा भाला, वो तो मुझे ले जाते हुए दिखे, तो मेरे पापा थे। फिर क्या नाम है, हमने पुलिस में कंप्लेन करी, पुलिस में गए हम। हम तो इनसे हमने कहा तो इन्होंने देख उनको पकड़ के लाए हुए बताया, तो हमने हम उन्हें जेल में भेज दिया। पता नहीं क्या बात थी, जाने बेचा बेचा तो नहीं है, लेकिन ले यहाँ से ले गए उसके कहते कि किसी से मोहब्बत करता हूँ मैं, उसकी मोहब्बत में मैंने वो बच्चा मांग रही थी, मैंने इसलिए बच्चा दे दिया, बेऔलादी थी। बाजार में हुआ है मच्छरदानी में, हमारी रात को लड़की और हमारी बीवी जिनका नाम था मुमताज़, तो वे रात को आए समय में दीवार गोदी, उन्होंने हमारे घर की हमारे बच्चों को ले गए, हमें समझ लो कुछ पता नहीं लगा। फिर जब हमने ढूंढा तो हमें कुछ पता नहीं चला, कहाँ ढूंढा, पूरा नगीना ढूंढ लिया हमने, हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमने सीसी कैमरा चेक करा, जब पटेरी पर खुशी भाई का चेना कैमरा, तो बिन जिन पे बच्चे को ले जाते हैं मिले, हमने पुलिस में गए हम। फिर पुलिस वालों को बताया ना, देखो ये हमारे बच्चे को ले रहा है। फिर पुलिस वाले के साथ में गया दिल्ली, जिनको बकड़ा के लेके गया मैं। पुलिस वालों ने एक दिन रखा, एक रात रखा, इन्होंने कर दिया है चालान हमारे सर का। अब बताओ, ये हमसे आने जाना खर्च मांग रहे हैं, हम बताओ बाल बच्चों द्वारे रिक्शा चलाते हैं, हमारे बच्चों में घर में परेशानी, हम कहाँ से लाए के दें 30,000 रुपये, इनको बताओ। अब बताओ सरकार हमारे साथ में हेल्प करे। फिर जब तुम साथ में गए पुलिस के, वहाँ बच्चा नहीं मिला तुम्हें? नहीं, जब हम पुलिस वालों के साथ में गए वहाँ दिल्ली में तो बच्चा नहीं मिला। इनसे पूछा, इनसे बच्चे रहने वाले का नाम था जफर, तो इनसे पूछा मार डाड़ के, तो इन्होंने बोला मैंने बच्चा दे दिया है बिहार में, रहने वाले दिल्ली में थे मगर ले गए वे 22 तारीख में ले गए बच्चों को बिहार। कितने पैसे में बच्चों को बेचा? बच्चे को हम पूछा हमने, तो इन्होंने बोला मैंने प्रेम करता था जिसे लड़की से, जिसके वही औलाद नहीं होगी थी, तो मैंने फ्री में दे दिया मैं सी। अच्छा, बच्चा फ्री में दे दिया तुम्हें? फ्री में दे दिया मैंने। कसीम और मुमताज जो नगीना कस्बे के रहने वाले हैं, कसीम रिक्शा चलाता है, 4 बच्चों के साथ 19 अप्रैल को सो रहे थे। एक बच्ची उसमें 1 महीने की थी, उसी रात में बच्ची चोरी हो गई, अपहरण हो गया। 363 IPC का अभियोग पंजीकृत है। अनावरण करने पर पता चला कुछ बच्ची का नाना यानी मुमताज के पिता ने ही बच्ची का अपहरण किया था, वो भी रहने वाला जफर
नगीना का ही है जो दिल्ली में रहता है, और उसकी एक प्रेमिका वहाँ है खुशबू, जो कटिहार बिहार के रहने वाली है। खुशबू की मांग पर उसने इस बच्ची को चुरा करके दिया अंतरंग प्रेम प्रसंग में। पुलिस ने जफर को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही भनक लगी खुशबू को, कटिहार बिहार चली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगाई गई हैं। जफर को जेल भेज दिया गया, खुशबू एवं बच्ची की बरामदगी के लिए टीमें लगाई गई। खबर भारतवर्ष के लिए बिजनौर उत्तर प्रदेश से उस्मान मंसूरी की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।